आप सभी शांति बनाए रखिए। आज का क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम अजोला के बारे में बात करेंगे। अजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है, जो कृषि में जैव उर्वरक के काम आता है, तो एक तरफ पशुओं के चारे के काम आता है। अजोला पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है। पशुओं को खिलाने से उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन, विकास वर्धक सहायक तत्वों एवं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम से भरा होता है, तथा वजन के आधार पर इसमें 25 से 35 प्रतिशत प्रोटीन, 10 से 15 प्रतिशत खनिज एवं 7 से 8 प्रतिशत एमिनो एसिड, बायो एक्टिव पदार्थ तथा बायो पॉलीमर पाए जाते हैं। इसके उच्च प्रोटीन एवं निम्न लिंगिंग तत्वों के कारण मवेशी इसे आसानी से पचा लेती है। इसे गाय भैंस के साथ साथ कुक्कुट भी, बकरियों, सुअर तथा खरगोश को भी दिया जा सकता है। अजोला लगाने के लिए जमीन को खरपतवार को निकालकर अजोला लगाते। अब हम बात करते हैं कि अजोला लगाते कैसे हैं। अगर अजोला लगाने के लिए 2 मीटर चौड़ा व 2 मीटर लंबा आकार की जगह ले लेंगे और 4 फीट गड्ढे बनाकर एक स्लोपलिन का सीट, यानी कि एक जो बाज़ारों में पोलोथीन बिकता है बड़ा सा बिछाने वाला, जिससे पानी उस पार ना हो, ऐसा एक पोलोथीन ले लेंगे। उसके बाद पन्नी यानी स्लोपलिन सीट को गड्ढे को ढक देंगे पूरा, व गड्ढे पर 10 से 15 किलो छनी मिट्टी, यानी कि जो मिट्टी को बढ़िया से छानकर उसको फैला देंगे। 10 लीटर पानी में मिश्रित 2 किलो गोबर एवं 30 ग्राम सुपर फास्फोरस से बना घोल, यानी कि क्या करेंगे, 2 किलो गोबर में 10 लीटर पानी और 2 किलो गोबर, उसमें 30 ग्राम सुपर फास्फोरस मिलाकर एक घोल बना लेंगे। उसे उस सीट पर डाल देंगे और जलस्तर को देखेंगे। जलस्तर यदि 10 सेमी तक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसमें और पानी मिलाकर 10 सेंटीमीटर तक जलस्तर कर देंगे और उसमें 0.5 से 1 किलो अजोला कल्चर पानी पर फैला देंगे। इसके बाद हम पाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अजोला पूरा फैल चुका है, वह एक मोटी चादर जैसी बन चुकी है। इसे आसानी से निकाल कर पशु को 1 केजी डेली खिलाएंगे और पशु स्वस्थ हो जाएगा या दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। इसे धान के खेतों में भी लगाया जा सकता है। लगाने के लिए 2 से 4 इंच पानी से भरे खेत में 10 टन ताज़ा अजोला को फैला दिया जाता है पूरे भाग में। इसके साथ ही इसके ऊपर 30 से 40 किलोग्राम सुपर फास्फोरस का छिड़काव भी कर दिया जाता है। अजोला के उपयोग से धान की फसल में 5 से 15% उत्पादन वृद्धि हो जाती है, यानी कि पशुपालन और कृषि दोनों में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अजोला का खेती कर आप कृषि व
पशुपालन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अजोला कृषि और पशु व्यवसाय के लिए वरदान साबित हुआ है। अब अगली क्लास अगले दिन करेंगे।